ये व्यू है मेरे हॉस्टल से ऋषिकेश में। बैकपैकर्स पांडा करके एक हॉस्टल है जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, बैकपैकर्स पांडा। काफ़ी अच्छा एकोमोडेशन है। ये पीछे है बिल्डिंग, इसमें रुका हुआ हूँ मैं, हॉस्टल है। और ये सामने यहाँ से व्यू है। 5 दिन हो गए मेरे को और आज शाम को मैं निकलूँगा हरिद्वार के लिए, क्योंकि कल मॉर्निंग में मेरी ट्रेन है वापस जाने, घर जाने के लिए। आज लास्ट डे रहेगा मेरा ऋषिकेश में और आज शाम को ही निकल जाऊंगा मैं हरिद्वार के लिए। तो काफ़ी अमेजिंग रही ये ट्रिप। और ये देखिए, ये है वो हॉस्टल्स। और यहाँ से लक्ष्मण झूला और गंगा रिवर काफ़ी पास है। वैसे तो आपको गंगा रिवर के पास भी, लक्ष्मण झूला के पास काफ़ी अच्छे एकोमोडेशंस मिल जाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। वहाँ थोड़ा आपको हाई प्राइस में मिलेंगे रूम्स वगैरह, और हॉस्टल्स भी आपको महंगे मिलेंगे। बाकी थोड़े दूर आप देखेंगे 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, आपको चीप एकोमोडेशंस मिल जाएगा 300-400 पर डे के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 5 डेज रुका हूँ, 400 समथिंग यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ। व्यू काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी जगह है ऋषिकेश। अगर आप लोग हरिद्वार तक आए हैं तो ऋषिकेश ज़रूर आएँ, मिस ना करें। अभी मैं डेली 5 दिन से लक्ष्मण झूला जा रहा हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक के लिए मेरे हॉस्टल से लक्ष्मण झूला जा रहा हूँ डेली 5 दिन से। पास में ही है, नज़दीक है, सुबह सुबह आप चले आओ आराम से। और यहाँ से आपको कहीं पर भी जाने के लिए, उत्तराखंड या हिमाचल भी जाने के लिए, आपको गवर्नमेंट की ऐसी बसेस भी मिल जाएंगी। तो अगर आपको और कहीं भी जाना है, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा वॉकेबल डिस्टेंस पे है। ये देखिए पीछे व्यू देखिए आप, माउंटेन्स शायद आपको दिख पा रहा होगा अच्छे से। पीछे देखिए, यहाँ से अगर ऐसे देखेंगे, ये देखिए मेरे हॉस्टल से जहाँ मैं बैठ के काम करता हूँ वहाँ से बहुत शानदार व्यू है। मैं तीनों साइड ऐसा ही व्यू है, अमेजिंग व्यू है। और यहाँ काफ़ी सस्ते होटल्स हैं, डिपेंड करता है आप किस जगह पर रुके हुए हैं। यहाँ ऋषिकेश में आश्रम्स भी, यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट रुक सकते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो भी आपको कुछ आश्रम्स हैं जहाँ पे आप एकोमोडेशन ले सकते हैं काफ़ी सस्ते में, मिनिमम चार्जेस में। जाना हुआ उस साइड, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम है और काफ़ी बढ़िया लोग हैं यहाँ पे, हेल्पफुल नेचर के। यहाँ से जा रहा हूँ, शॉर्टकट है ये लक्ष्मण झूला जाने के लिए। जहाँ पे मैं रुका हूँ तपोवन में, मैं रुका हूँ तपोवन करके एक जगह है ऋषिकेश में, जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ वहीं पे बैकपैकर्स पांडा है। इस हॉस्टल में मैं रुका हुआ हूँ वो है, ये देखिए। और ये है ऋषिकेश की गलियाँ, कितनी साफ सुंदर और बढ़िया तरीके से मेंटेन की हुई है यहाँ पे मोस्टली चीज़ें। तो अच्छा लगता है ये देख के। अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे लक्ष्मण झूला। शॉर्टकट है ये, व्यू है रास्ते में जब आप जाएंगे तपोवन से शॉर्टकट लेके। तो ये सारे माउंटेन्स हैं यहाँ पे सामने, देखो
चल रही है, बाल पूरे बिखर रहे हैं। ये गली है, शॉर्टकट है यहाँ से जाने के लिए। लगभग पहुँच गए हम लोग, शॉर्टकट से आ रहे थे। ये देखिए, यहाँ से हम लोग पहुँच जाएंगे, पहुँच ही गए ऑलमोस्ट। ये देखिए, ये है गंगा रिवर, गंगा नदी। ये देखिए आप, यहाँ से देखिए, ये देखिए, काफ़ी शानदार व्यू है ये, माउंटेन्स और गंगा रिवर। तो काफ़ी अच्छी जगह है ऋषि के साथ प्लान कर। ये है एकदम स्वच्छ और शानदार गंगा रिवर। ये देखिए, पीछे पहाड़ों से आ रही है वो। ये देखिए, और उस साइड काफ़ी टेंपल्स भी हैं, मंदिर भी हैं। अगर आप लोगों को जाना है तो, अगर आप मंदिर जाना प्रेफर करते हैं तो आप मंदिर भी जा सकते हैं। और यहीं सामने वॉकेबल डिस्टेंस पे है लक्ष्मण झूला, यहाँ से आपको दिख भी जाएगा वो उधर दूर। हम लोग जा रहे हैं अभी, ये मॉर्निंग का व्यू है, आप मॉर्निंग का व्यू है देखिए। अभी 7 भी नहीं बजे हुए हैं, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से देख। ये देखिए, यहाँ से शायद आप नीचे भी जा सकते हैं। कैफे वैफे है, एक कैफे है छोटा सा, और वो गंगा रिवर है आपके सामने। यहाँ से अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं और नीचे जाके दर्शन करते हैं गंगा रिवर के। तो काफ़ी अच्छी जगह है और पीसफुल जगह है, आप ज़रूर आएँ ऋषिकेश टाइम निकाल के। और 3-4 दिन निकालिए, मैं तो 5 दिन से ही हूँ। तो काफ़ी अच्छी जगह है, त्र्यंबकेश्वर टेंपल है, वहाँ पे भी जाएँ आप। दिख रहा है आपको यहाँ पीछे, देखिए मेरे पीछे सारे माउंटेन्स आपको दिखेंगे। यहाँ पे आप बोटिंग रिवर राफ्टिंग के लिए भी पूछ सकते हैं, काफी लोग हैं जो रिवर राफ्टिंग कराते हैं। यहाँ से आपको 18-20 किलोमीटर ऊपर पीछे ले जाएंगे और वहाँ से आपको रिवर राफ्टिंग कराएंगे। 400-500 रुपए में करा देते हैं वो आपको। तो आप पता कीजिए, बहुत सारी कंपनीज़ हैं यहाँ पे, तो वो लोग आपको आराम से अच्छे से रिवर राफ्टिंग करा देंगे। तो एक एक्टिविटी है, एडवेंचर एक्टिविटी, जो आपको करना चाहिए यहाँ आ रहे हैं तो। ये देखिए, अभी जा रहे हैं हम लोग, अभी पहुँचे नहीं हैं लक्ष्मण झूला। और ये एक चेयर है, यहाँ से बैठ के अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहीं पे थोड़ी देर बैठा जाए। यहाँ से सामने वो मंदिर है और ये यहाँ से गंगा नदी यहाँ से आ रही है ऊपर से। ये गंगोत्री से आती है, जहाँ इसका नाम भागीरथी है, और यहाँ आके ये गंगा के नाम से जानी जाती है। ये देखिए, हम लोग पहुँच गए हैं लक्ष्मण झूला। ये देखिए, ये यहाँ से नीचे उतरिए आप और
यहाँ सामने लक्ष्मण झूला, यहाँ आने का अलग ही मज़ा है। मॉर्निंग में आएंगे तो आपको अलग फील आएगा और इवनिंग में अलग। ये देखिए अभी यहाँ जा रहे हैं हम लोग उस साइड। काफी बंदर हैं यहाँ पे, यही लक्ष्मण झूला पे ही दिख रहे हैं आज तो। ये देखिए ये व्यू लक्ष्मण झूला से, ये है लक्ष्मण झूला। ये देखिए कितने सारे बंदर हैं यहाँ पे, देखिए दोनों साइड ये भी हो, इस साइड भी आप देख सकते हैं। देखिए और ये बेचारे कुछ खाने को ढूंढ रहे हैं बंदर, जो भी मिल रहा है इनको प्रसाद वगैरह आराम से खाते जा रहे हैं वो। आज काफ़ी इतने दिन में, 5 दिन में मेरे को इतने सारे आज दिखे, शायद मैं आज थोड़ा जल्दी आ गया हूँ तो इसलिए। और ये हैं वो मंदिर, महेश्वर महादेव, अंबकेश्वर महादेव का मंदिर है ये, तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ दर्शन करने के लिए। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो ज़रूर आपको यहाँ पर आना चाहिए। और ये देखिए मैं उस साइड और मैं तो इतना ज़्यादा दूर नहीं है, आप आ सकते हैं आराम से। और ये सामने महादेव पार करेंगे, सामने महादेव आपको मिलेंगे। ये देखिए अब इधर देखते हैं वो चाय की दुकान कहाँ है जहाँ मैं चाय पीता हूँ आके, देखते हैं आप। यहाँ पे इस साइड भी काफ़ी मंदिर हैं और आश्रम वगैरह हैं रुकने के लिए, तो आपको जहाँ भी रुकना हो आप रुक सकते हैं। और हाँ यहाँ ये है वो जगह जहाँ मैं चाय पीता हूँ, खुल गई है शायद शॉप यहाँ। ये हैं भैया जी, नमस्कार भैया जी, यहीं पे मैं डेली आके चाय पीता हूँ। ये बिल्कुल गंगा आप जाएंगे घाट से पहली ही शॉप है, तो काफ़ी अच्छी चाय देते हैं ये भैया। और अभी टाइम हुआ है, 7 भी नहीं बजा है और इनकी दुकान रेडी है। तो अगर आप इधर आप रुके हैं ऋषिकेश में और गंगा के पास हैं तो यहीं चाय पिए, बहुत शानदार आपको अदरक वाली चाय मिलेगी। ये है एंट्रेंस और यहीं पे है ये शॉप, जस्ट सामने ही है। ये देखिए ये है एंट्रेंस गंगा बीच नीचे जाने के लिए।